हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ आलू और बैंगन की टेस्टी सब्ज़ी। थोड़ा सा इस सब्ज़ी को हम अलग तरीके से बनाएंगे, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। आलू और बैंगन की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है 2 मीडियम साइज़ के आलू और 2 मीडियम साइज़ के बैंगन। इनको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है और पानी में डालकर रखा है ताकि ये काले ना पड़े। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप में। एक पैन में हम 2 टेबलस्पून तेल डाल देंगे। तेल को हल्का सा गर्म कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे आलू और बैंगन और जो इसका पानी था उसे इस टाइम पर निकाल देंगे। तो आलू और बैंगन को मैं एक साथ फ्राई कर रही हूँ, आप चाहे तो अलग अलग भी कर सकते हैं। एक साथ फ्राई करेंगे तो हमें कम टाइम लगेगा और दोनों को अलग अलग फ्राई करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो देखिए, दोनों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैंने इसमें डाल दिया है 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, साथ ही में मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून के करीब नमक। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हम 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे लो फ्लेम पर। ऐसा करने से आलू और बैंगन का टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस होता है, तो ये टिप्स आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। देखिए, 2 मिनट हो गई है, आलू और बैंगन थोड़े से फ्राई हो गए हैं। इससे ज़्यादा हम इन्हें फ्राई नहीं करेंगे, नहीं तो ये गल जाएंगे। इन्हें हम बाउल में बाहर निकाल देंगे और सेम पैन में मैंने थोड़ा सा तेल और डाल दिया है। तेल को थोड़ा सा हल्का गर्म करेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 1 तेज़पत्ता, 1 टीस्पून जीरा डाल देंगे, 1/2 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ अजवाइन। अजवाइन से बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो इसे ज़रूर से ऐड कीजिएगा। अब हम इसमें 2 लौंग डाल देंगे और 1 बड़ी इलायची डाल देंगे। आप अपनी पसंद से खड़े मसाले इसमें डाल सकते हैं, इन्हें सोते कर लेंगे। अब इसके बाद में हम इसमें डाल देंगे 1 मीडियम साइज़ की रफली चॉप की हुई प्याज, इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और इनका हल्का सा कलर चेंज कर लेंगे। प्याज का हल्का सा कलर चेंज कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे 3 से 4 करी पत्ते, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, मैंने इसको खुशबू के लिए ऐड किया है। अब मैं इसमें डालूंगी सीक्रेट इंग्रेडिएंट, वो है बेसन। तो दोस्तों, बेसन इसमें ज़रूर से ऐड करें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इससे हमारी ग्रेवी भी ठीक होगी और टेस्ट भी बहुत बढ़िया आएगा। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम कंटिन्यू 1 से 2 मिनट चला लेंगे, जब तक बेसन हमारा अच्छे से कुक नहीं हो जाए तब तक। तो लगभग 1 से 1.5 मिनट या 2 मिनट आपको लग जाएगी। तो देखिए, बेसन से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और बेसन का कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट तक कंटिन्यू चला लेंगे, गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखें, नहीं तो बेसन और लहसुन अदरक हमारे जल जाएंगे। कंटिन्यू चलाते रहेंगे इसे। तो देखिए, 1 मिनट हो गई है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 मीडियम साइज़ का टमाटर, जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है, इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही भी मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। तो टमाटर को हम पकाएंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। तो 2 मिनट के लिए हम इसे ढककर पका लेंगे और बीच बीच में चेक भी करते रहेंगे। तो देखिए, 2 मिनट हो गई है, टमाटर हमारे अच्छे से कुक हो गए हैं। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून मैंने इसमें लाल मिर्ची का पाउडर डाल दिया है, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाल देंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे, स्वादानुसार नमक डाल देंगे और थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल देंगे ताकि मसाले जले ना। इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कुक कर लेंगे और बीच बीच में चेक भी करते रहेंगे। 2 मिनट हो गई है, मसाले हमारे अच्छे से कुक हो गए हैं, मसालों ने तेल छोड़ दिया है और मसालों से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब इस स्टेज पर हम इसमें डाल देंगे आलू और बैंगन जो हमने फ्राई किए थे, इन्हें डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, अभी से ये सब्ज़ी कितनी टेस्टी दिख रही है। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। अगर आपको ग्रेवी वाली चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा ज़्यादा पानी ऐड करें, अगर आपको कम ग्रेवी चाहिए तो आप इसमें 1/2 कप पानी ऐड करें। तो मैंने इसमें 1/2 कप पानी डाल दिया है क्योंकि मुझे ये सूखी सब्ज़ी चाहिए। अगर आपको ग्रेवी वाली चाहिए तो आप इसमें 1 कप पानी डाल दें। तो इन सबको अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है तो इसे ज़रूर से ऐड करें। अब हम इसे ढककर लगभग 4 से 5 मिनट के लिए कुक कर लेंगे या जब तक आलू अच्छे से गल नहीं जाए तब तक। तो लास्ट वाला वीडियो शूट नहीं हो पाया था, उसके लिए सॉरी। तो ये देखिए, ये सब्जी बनकर हमारी बिल्कुल तैयार है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।